ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सिक्स्थ पार्ट ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इन दिस पार्ट आई विल टेल यू अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ सम क्वेश्चन। हियर आई विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों का छठवां पार्ट है। इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। एंड एट द लास्ट ऑफ वीडियो, एट द एंड ऑफ वीडियो यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस। यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। So this is the first question. Calculate the value of interest from the following data. Interest is not given. Indirect tax, subsidies, profit, consumption of fixed capital, GDP, MP, compensation of employees, mixed income. These things are given. So first thing we should know, which formula should be used for this question. हमें कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए करना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनकम मेथड। वाई? बिकॉज सी, सब्सिडी, प्रॉफिट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम, दीज आर द पार्ट ऑफ रेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ इनकम मेथड। जो इनकम मेथड में जो फार्मूला बताया था उसमें ये सब्सिडी, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसमें ये सब बातें होती हैं। तो ये इनकम मेथड का फार्मूला है। तो वी विल सॉल्व दिस बाय इनकम मेथड। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इनकम मेथड। हेयर जीडीपी एमपी इज गिवेन। व्हेन वी सॉल्व एनीथिंग, एनी क्वेश्चन बाय इनकम मेथड, वी गेट एनडीपीएफसी इन द आंसर। सो अवर आंसर विल बी एनडीपीएफसी, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू जीडीपी एमपी। After that we will see how we can get interest. हमारा जो NDPFC answer आता है income method में आय विधि में, तो हम वो निकालेंगे, उसके बाद हम उसको इसमें convert करेंगे, GDPMP में convert करेंगे, फिर देखेंगे कि interest को कैसे निकाला जाए। So first thing, what is the formula of domestic income by income method, NDPFC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Mixed income is given, yes, mixed income is given. So we first write the formula. Here formula is written. Now we will see compensation of employees 9300, operating surplus. Operating surplus is not given. We had to add out the different part of operating surplus, which are rent, interest, dividend, rent, interest, then profit. Profit is given, so we don't need dividend. After that, mixed income is also given. No, operating surplus, rent, interest, profit, compensation of employees 9300, mixed income 3500. These both become Rupees 12,800 plus rent 800, and interest is not given in the question. We have to calculate it, and then it is profit. Profit is 1,100 crore. Now NDPFC equals to 14,700 crores plus interest. In the question, GDPMP is given. So to convert NDPFC into GDPMP, we have to add depreciation and NIT in the question. And now depreciation means consumption of fixed capital 700, NIT, net indirect tax, it is the difference between indirect tax and subsidy. Indirect tax minus subsidy becomes equal to NIT, net indirect tax.
अब GDPMP की जगह GDPMP कर दिया, NDPFC की जगह NDPFC, डिप्रिसिएशन 700, NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, दीज बोथ थिंग्स विल बी एडेड एंड गो टू लेफ्ट साइड, इन दोनों को ऐड करके लेफ्ट साइड में भेजेंगे जहाँ पे माइनस हो जाएगा। दिस इंटरेस्ट विल बी ऑल्सो एडेड हेयर प्लस इंटरेस्ट। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इट इज 800 विल गो दिस साइड, इट विल ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड हेयर, देन वट द वैल्यू विल बी रिमाइंडर, दैट विल बी इंटरेस्ट। जो कुछ भी इस सबको 800 जो माइनस करके आएगा इधर आएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, इन सबको माइनस करके 17,500 में माइनस करके जो भी बचेगा वो इंटरेस्ट के बराबर होगा। नाउ 800 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2,100 बिकम्स 1,300, दैट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट। रुपीज 1,300 करोड़ इज इंटरेस्ट इज अवर आंसर। नाउ हेयर इज अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNPFC पता करना है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, हेयर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कंसम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंसम्पशन एक्सपेंडिचर। तो दिस इज एन एक्सपेंडिचर मेथड क्वेश्चन, ये व्यय विधि का क्वेश्चन है, बिकॉज वी आर गेटिंग प्राइवेट फाइनल कंसम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंसम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो सो वी विल सॉल्व इट बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो फर्स्ट साइड द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर, हेयर इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस मीन्स अवर आंसर विल बी GDPMP। यहाँ पे ग्रॉस लिखा हुआ, तो ग्रॉस का मतलब हमारा जो आंसर आएगा सकल में आएगा, GDPMP आएगा, सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, सो अवर फार्मूला GDPMP इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंसम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंसम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, हेयर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। हमारा जो फार्मूला है GDPMP बराबर निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल निवेश, इसमें क्वेश्चन में सकल निवेश दिया है तो सकल लिखेंगे, और शुद्ध निर्यात। अब सबकी जगह सबकी वैल्यू रख देंगे, सी इन द क्वेश्चन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स दिस इज ओनली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नॉट द कंप्लीट इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट इज नॉट एडिड, ये केवल स्थिर निवेश है, इसमें माल सूची स्टॉक में परिवर्तन नहीं जोड़ा गया है, माल सूची स्टॉक नहीं जोड़ा गया, माल सूची निवेश नहीं, तो उसको भी जोड़ेंगे तब ये पूरा इन्वेस्टमेंट बनेगा। सो वी हैव टू फाइंड डेल्टा स्टॉक, डेल्टा स्टॉक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट सेल्स इज गिवन एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज गिवन, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड सेल्स इज गिवन। If we subtract sales from value of output, then we can get delta stock. Value of output का मतलब जितने भी का हमारा सामान बना, और sales का मतलब जितना हमने बेचा, तो जितना बना वो तो सब पूरे साल भर में ही बना, income अभी generate हुई, और जितना बिक गया है वो, तो कितना जितना भी सामान बच गया है, means delta stock, closing stock minus opening stock, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक के समान एक्स्ट्रा बचा है वो हम कैसे पता करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग सेल्स बाय ऑल फॉर्म्स फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, 150 माइनस 100। नाउ नेट एक्सपोर्ट, नेक्स्ट इज इन नेगेटिव प्लस माइनस 60, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, दिस इज 8,000 ईयर, 11,350 प्लस 50 माइनस 60, GDPMP इक्वल टू माइनस 10 है, 11,340, 11,340 करोड़ इज GDPMP। नाउ सी व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एट
national income at market price. मार्केट प्राइस इट इज ऑलरेडी इन मार्केट प्राइस पहले से ही बाजार मूल्य पर है. नेशनल में कन्वर्ट करना है सो वी हैव टू ऐड NFIA. नेशनल में चेंज करने के लिए NFIA जोड़ना पड़ेगा. वो पहले से दिया है क्वेश्चन में NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किया है. देन इट इज ग्रॉस वी हैव टू चेंज इट इनटू नेट. इसको नेट में बनाना पड़ेगा, शुद्ध बनाना पड़ेगा. सकल में दिया है. देन वी हैव टू माइनस डेप्रिसिएशन. अब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, NFIA ऐड करना पड़ेगा. GDPMP जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, अभी निकाला है GDPMP, वो लिख दिया. माइनस डेप्रिसिएशन अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा. करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, जो ये फिक्स्ड कैपिटल बदली गई है उसकी कॉस्ट मीन्स जो रिपेयरमेंट में खर्च हुआ है, सो दैट इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन. ये डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम हो गया. 40 प्लस NFIA 80 NFIA. सो आंसर इज 11,380. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन. कैलकुलेट GDPMP एंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. तो फर्स्ट वी हैव टू चेक विच मेथड शुड बी अप्लाइड हियर. पहले चेक करना पड़ेगा कौन सा मेथड लगाएं. यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है. देन ओपनिंग स्टॉक, देन अगेन कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट क्लोजिंग स्टॉक, सब्सिडीज, ऑपरेटिंग सरप्लस. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड. कंसम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्राइवेट फाइनेंस कंसम्पशन, एक्सपेंडिचर. तो दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड. ज़्यादातर जो चीज़ें हैं एक्सपेंडिचर मेथड की हैं. प्राइवेट फाइनल कंसम्पशन एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट फाइनल कंसम्पशन एक्सपेंडिचर, डेल्टा स्टॉक वी कैन गेट बाय ओपनिंग सेपरेटिंग ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक. फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवेन एंड नेट एक्सपोर्ट. वी कैन गेट नेट एक्सपोर्ट बाय सेपरेटिंग इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट. सो अब हम इसमें व्यय विधि लगाएंगे. व्यय विधि के सब कुछ मिल रहे हैं हेयर. दिस कैपिटल फॉर्मेशन इज इन ग्रॉस, सो आंसर विल बी GDPMP. यहाँ पे ग्रॉस सकल दिया है. जो भी पूंजी निर्माण है, सकल पूंजी निर्माण है, तो हमारा ग्रॉस यानी सकल आंसर आएगा, GDPMP आएगा. एंड इट इज फिक्स्ड, केवल ये फिक्स्ड है, स्थिर पूंजी निवेश है. सो वी हैव टू गेट डेल्टा स्टॉक भी पता करना पड़ेगा. देन वी कैन फाइंड कंप्लीट इन्वेस्टमेंट. जो भी पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ है तब हमें पता चलेगा, जब माल सूची निवेश भी पता चले उसको भी जोड़ना पड़ेगा. फर्स्ट आई हैव रिटेन द फार्मूला. सबसे पहले फार्मूला लिखा, GDPMP प्राइवेट फाइनल कंसम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंसम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज फ्रॉम द क्वेश्चन. क्वेश्चन में इन सब की वैल्यू ढूंढ के लिखना. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस डेल्टा स्टॉक. वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा स्टॉक बाय सेपरेटिंग ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक में माइनस करके हम पहले डेल्टा स्टॉक निकालेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, और ये नेट एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. अब सब ये सॉल्व करते हैं. पहले 610 देन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम माल सूची स्टॉक माइनस प्रारंभिक माल सूची स्टॉक, अंतिम 80 प्रारंभिक 50. सो इट बिकम्स रुपीज 630 प्लस 30 इक्वल्स टू रुपीज 660 crores. इट इज GDPMP. तो फर्स्ट आंसर इज कैलकुलेटेड GDPMP. GDPMP वाला पहला क्वेश्चन हो गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. वी हैव टू कन्वर्ट GDPMP इनटू नेशनल इनकम. राष्ट्रीय आय निकालने के लिए GDPMP को नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय में बदलना पड़ेगा. NNPFC इक्वल टू GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन. ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन बिकम्स नेट. देन प्लस NFIA डोमेस्टिक प्लस NFIA बिकम्स नेशनल. एंड इट इज फैक्टर इनकम, सो वी हैव टू माइनस NIT ऑल्सो.
depreciation is 20. NFIA minus 10, minus minus will be plus, sorry, plus minus will be minus. And NIT, net indirect taxes, indirect tax minus subsidy will become net indirect tax. Indirect tax में subsidy minus करके शुद्ध अपेक्षित निकालेंगे. Now NNPFC equals to 630 minus 60 indirect tax minus 10 subsidy. So it become 50, 630 minus 50 becomes rupees 580 crores. This is NNPFC. Now you will get some questions. You have to solve this by yourself. अब अपने आप खुद करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको